आरटीआई यानी सूचना का अधिकार जब से आया है तब से अधिकारियों की मनमानी पर निस्संदेह अंकुश लगा है। कुछ गलत करने से पहले अधिकारी 10 बार सूचना के अधिकार के बारे में सोचता है और फिर अपना इरादा बदल देता है। यही वजह है कि आरटीआई के कारण जहां एक और कई भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, वहीं भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश भी लगा है। आरटीआई के कारण प्रत्येक सरकारी काम में पारदर्शिता आ चुकी है। सोलन की जनता भी आरटीआई के प्रति बेहद सजग है और वे अपने अधिकार को किस तरह उपयोग कर सकते हैं ये भी उन्हें भली भांति जानकारी है। ये बात कानून अधिकारी मनोज चौहान ने मीडिया को दी। कानून अधिकारी मनोज चौहान ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से अधिकारियों को सूचना एक तय सीमा के भीतर उपलब्ध करवानी ही होती है। वे जानकारी उपलब्ध करवाने में आनाकानी नहीं कर सकता है। अगर वह समय रहते जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो उसे नियमानुसार दंड भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा और निजी जानकारी को छोड़कर अधिकारियों से किसी भी तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ये अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि अधिकारी अपनी मनमानी न कर सकें और वह भी नियमों का पालन करें। विभाग जो है वो डेलिब्रेटली और इंटेंशनली किसी लिटिगेंट को, एप्लीकेंट को जो है वो जानकारी जो है वो शेयर करने से मना करता है, तो इस अधिनियम में उस विभाग और उस पीआईओ के अगेंस्ट जो है वो पेनालिटी का प्रावधान भी है, जो कि जितने दिन वो डिले करता है इन्फॉर्मेशन देने से तो 250 रुपये प्रतिदिन जो है उसके ऊपर पेनालिटी पड़ सकती है, और यदि वो जानकारी डेलिब्रेटली और इंटेंशनली नहीं देता तो अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माना जो है उस पीआईओ पे पड़ सकता है। आपने सवाल मुझसे पूछा कि क्या विभाग जो है जानकारी देने से मना कर सकता है, तो उसका जवाब मैं आपको अब दे रहा हूँ। वो बिल्कुल कर सकता है, और वो किन सिचुएशंस में कर सकता है, यदि तो जानकारी जो है भारत की अखंडता और उसकी सुरक्षा से जुड़ी है, या कोई जानकारी ऐसी है जो किसी गुप्त विभाग से संबंधित है, कोई नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई जानकारी है, तो इस तरह की जानकारी जो है वो विभाग आपको देने से मना कर सकता है। वैसे तो सेना के तीनों अंग इसके दायरे में आते हैं, परंतु यदि भारत की सुरक्षा सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कोई एप्लीकेंट मांग रहा है तो उसको पीआईओ देने से मना कर सकता है। दूसरी इसमें बात यह है कि यदि कोई जानकारी जो है वो भारत और फॉरेन रिलेशन से संबंधित है तो विभाग जो है उस जानकारी को भी आपसे शेयर करने से मना कर सकता है। तीसरी बात इसमें यह है कि यदि कोई बिलो पॉवर्टी लाइन से संबंधित व्यक्ति है जिसको निशुल्क इस प्रावधान इस अधिनियम में जो है वो सूचना देने का प्रावधान है, वो यदि अपना जो है वो बीपीएल का सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगाता तो उस सूरत में भी जो है विभाग उसको जानकारी देने से मना कर सकता है, और प्रॉपर सर्टिफिकेट लगाने के बाद जो है विभाग उसको जानकारी उपलब्ध करवा सकता है। इसके अलावा यदि कोई एप्लीकेशन किसी ने फाइल की किसी विभाग में और उस एप्लीकेशन के साथ जो है निर्धारित जो है वो फीस जो है उस एप्लीकेंट ने नहीं लगाई तो उस सूरत में भी आपको जानकारी देने से विभाग मना कर सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि यदि आपने किसी विभाग से कोई जानकारी मांगी और वो जानकारी जो है किसी दूसरे विभाग से संबंधित है तो उस सूरत में भी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको जानकारी देने से मना कर सकता है। पर इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यदि वो विभाग चाहे तो वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को आपकी जो अर्जी है उसको प्रेषित कर सकता है और वहाँ से जानकारी जो है वो लेकर के आपको वो जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।